जोधपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष को रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त तो ने दबोचा। एक छात्रा को डिग्री दिलाने के नाम पर पैसा मांगने पर यह कार्रवाई हुई। डिग्री दिन के एवज में 2000 रुपए की मांग की जा रही थी, बाद में 1500 रुपए में बात तय हुई थी। बताया जा रहा है कि यह कर्मचारी राजेंद्र कुशवाहा लंबे समय से छात्रों से पैसे ले रहा था। छात्र यश की शिकायत पर लोकायुक्त जोधपुर ने कार्रवाई की। क्या मांग की जा रही थी? मेरा नाम यश है, मैं RDVB का छात्र हूँ। मेरी सिस्टर उदयपुर में शादी हुई उनकी, तो इन्हें BCOM की डिग्री के लिए बुलाया जा रहा था। इन्हें मेरे को निकलवानी थी, उनको चाहिए थी। तो 131 रुपये लगते हैं ना टोटल ऑनलाइन फ़ीस, MP ऑनलाइन में 200 रुपये लगती है। तो ये ऑनलाइन फ़ीस सब भरवा दी इनने, मैंने खुद भरा हूँ ऑनलाइन में जाके। फिर इन ये 2000 की मांग कर रहे थे, फिर 1500 में माने तो फिर तय हुआ। इसकी शिकायत कहाँ की थी आपने? लोकायुक्त कार्यालय में। यश ठीक है। आवेदक यशवेन पटेरिया ने लोकायुक्त जबलपुर में आके शिकायत की थी कि इनकी बहन ने वर्ष 2017 में RDVB से संबद्ध केसरवानी कॉलेज से BCOM किया था। BCOM की डिग्री लेने के लिए परीक्षा विभाग, विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में पदस्थ भ्रत राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा इनसे 2000 रुपये की रिश्वत की राशि की मांग कर रहे थे। उसकी शिकायत का सत्यापन किया, सत्यापन के उपरांत आज उन्हें 1500 रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया किस गया। किस विभाग में, किस पद पर है? भ्रत के पद पर है, RDVB में परीक्षा विभाग में। किस बात को लेकर पैसे मांगे गए? डिग्री निकालने के लिए। आपका सुनाम बताइए। नीतू त्रिपाठी, उप पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त जबलपुर। जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।